देखिए, हमको सबसे ज़्यादा मोहब्बत है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनका नाम मोहम्मद और अहमद हम सब लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं। लेकिन अगर सारे ही लोग मोहम्मद इकबाल या मोहम्मद इमरान या इमरान अहमद निकल आएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा कि कोई भी मोहम्मद इमरान इंटरनेट पे मिलेगा नहीं, ढूंढ नहीं सकेंगे हम। तो जिस तरह शायरों के कुनियत होती है, इसी तरह से नामों के साथ ज़ात लगाना ज़रूरी है। अब अगर आपको अपनी ज़ात में ज़ातियत नज़र आती है या कुछ गलत नज़र आता है तो आप अपनी ज़ात को कुछ और नया ज़ात बना लीजिए, कुनियत लगा लीजिए। हमारे जो मौलाना इकबाल साहब हैं उन्होंने अपने साथ लगा लिया जी इकबाल ट्रेनर हैं, वो तो ट्रेनर बन गए। आप और कोई चीज़ वाले बनना चाहते हैं, आप वाले वाले बन जाएँ। आपको दरख्त पसंद है, आप ट्री वाले बन जाएँ, आप कुरान वाले बन जाएँ, जो आपको नाम पसंद है, लेकिन नाम के साथ कोई कुनियत ज़रूर लगा लीजिए। दूसरा, जिस तरह से PhD होता है, इसी तरह से आपने PhD की तरह से मुफ्ती हो का कोर्स किया है, अपने अपनी ज़िंदगी के सालों लगाए हैं उसको समझने के लिए। तो लोगों को बताएं कि आप मुफ्ती हैं, जाके आपको डिस्टिंग्विश कर सके कि ये मुफ्ती हैं या नहीं है। इसी तरह आप अल्लामा हैं तो आप लगाएं कि मैं अल्लामा हूँ, मौलाना हैं तो लगाएं कि मैं मौलाना हूँ, टीचर हैं तो टीचर लगाएं कि मैं टीचर हूँ। क्योंकि किसी को पहचान कराना आपका अपना जिम्मेदारी है, आपकी पहचान आपको करानी पड़ेगी। ये दिखावा नहीं है, ये सिर्फ अलग करना है का काम है। इसको आप अलग से नज़र आने चाहिए कि जी ये बंदा अलग से नज़र आ रहा है। और इतने मुफ्ती होने के बावजूद हम मुफ्ती ढूंढते हैं इंटरनेट पे तो हमें नहीं मिलते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाएं और आप अपने उस्तादों से मशवरा करें। लेकिन मेरा आपको स्ट्रांग रिकमेंडेशन और सजेशन है कि आप मुफ्ती ज़रूर लगाएं, अल्लामा ज़रूर लगाएं। क्यों? इसलिए कि आपको ढूंढा जा सके। एक ही नाम के अगर 1,000 नाम होंगे तो फेसबुक पे भी नहीं मिलेंगे, गूगल पे भी नहीं मिलेंगे आप, लिंक्डइन पे भी नहीं मिलेंगे आप। बहुत मुश्किल हो जाता है ढूंढना। अगर आप किसी मदरसे से एसोसिएट करते हैं तो मंसूरी लगाते हैं लोग, मंसूरा के साथ, तो आप मंसूरी लगा लें, जो भी आपका मदरसा है उसके साथ लगा लें, ताकि आपकी आपको डिस्टिंग्विश किया जा सके। तो मोहम्मद के साथ चैलेंज क्या होता है कि मोहम्मद का जो नाम है वो बहुत कॉमन है, लोग मिल नहीं पाते, फिर आपको लोग तलाश नहीं कर सकते। तो जब तलाश नहीं कर सकते तो आपसे इल्म हासिल लेने के लिए भी आ नहीं सकते। इसलिए नाम बहुत यूनिक होना बहुत सख्त ज़रूरी है। शुक्रिया।